सब्सक्राइब कीजिए वैदिक ज्योतिष चैनल को और साथ ही बेल आइकन भी दबा दी ताकि नए वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। जय संतोषी माँ। दोस्तों स्वागत है आपका वैदिक ज्योतिष में। जानते हैं आज क्या कहती है आपकी राशियाँ, कैसा रहेगा आपका दिन। शुरुआत करते हैं आज के सुविचार से। मोर नाचते हुए भी रोता है और हंस मरते हुए भी गाता है, ये जिंदगी का फंडा है कि दुख वाली रात को नींद नहीं आती और खुशी वाली रात कौन सोता है। शब्द भी एक तरह का भोजन है, किस समय कौन सा शब्द परोसना है वह समझ जाए तो दुनिया में उससे बढ़िया रसोईया कोई नहीं। भीड़ से अलग निकलना ही जिंदगी है। इंसान की अकड़ वाजिब है दोस्तों, पैसा आने पर तो बटुआ भी फूल जाता है। आज का पंचांग 30 अप्रैल 2021 दिन शुक्रवार, बैसाख मास के कृष्ण पक्ष के चतुर्थी तिथि, शाम 7:10 तक रहेगी। इसके उपरांत पंचमी तिथि प्रारंभ हो जाएगी। ज्येष्ठा नामक नक्षत्र दोपहर 12:08 तक रहेगी। इसके उपरांत मूल नामक नक्षत्र प्रारंभ हो जाएगी। आज का राहु काल अर्थात दिन का सबसे अशुभ समय सुबह 10:24 से 11:15 तक रहेगा। आज का बिजीत मुहूर्त अर्थात दिन का सबसे शुभ समय सुबह 11:58 से 12:51 तक रहेगा। आज चंद्रमा वृश्चिक राशि पर दोपहर 12:08 तक रहेगी। इसके उपरांत धनु राशि पर संचार करेगी और आज सूर्य मेष राशि पर रहेंगी। मेष राशि 30 अप्रैल 2021 दिन शुक्रवार, आपके मुश्किल समय में किसी शुभ चिंतक की प्रेरणा और सहयोग बहुत ही सहायक रहेंगी। इस समय किसी भी यात्रा को स्थगित रखना आपके हित में ही रहेगा। घर के सुधार संबंधित कोई योजना बन रही है तो उसे क्रियान्वित कर सकते हैं। अच्छा, आपको अपनी मानसिक स्थिति का ध्यान रखने की आवश्यकता है। पुराने मित्रों के साथ हुई मुलाकात आपके लिए तकलीफदायक साबित हो सकती है। साथ ही कुछ ऐसे विषय के बारे में चर्चा होगी जिसकी वजह से आप केवल अपनी खामियों पर ही विचार करके खुद को तकलीफ दे सकते हैं। काम से संबंधित टारगेट के बारे में अधिक चर्चा ना करें। लोगों के द्वारा मिल रही टिप्पणी आपके काम पर असर कर सकती है। पार्टनर और आपके संबंधों में उतार चढ़ाव नजर आएगा। सिर दर्द की वजह से बेचैनी महसूस भी हो सकती है। किसी भी काम को तुरंत तैयार होकर शुरू करने से पहले गंभीरता से तर्क की कसौटी पर परख लेना ही ठीक होगा। आपके लिए कल्पनात्मक सा समय ही, इसलिए रोमांस का आनंद लें। रोमांस में कल्पना लाने से आपके लिए अच्छा होगा, लेकिन अगर आप ऑफिस में भी यही करने की कोशिश करेंगे तो परिणाम अच्छे नहीं होंगे। आउटसोर्सिंग का काम करने वाले कार्मिकों को उल्लेखनीय अवसर मिल सकता है। सीमेंट व्यवसायियों के लिए लाभकारी स्थिति भी बन सकती है। सावधानियां, पैसे के लेन देन को लेकर कोई वाद विवाद होने की आशंका है। कभी कभी मनोनुकूल काम ना होने से आप असहज महसूस करेंगे। अपने अंदर धैर्य और संयम बनाकर रखें। बात करते हैं लव लाइफ की। अच्छा, आपको अपने साथी के बारे में थोड़ा महत्वपूर्ण जानकारी मिलेगी जिससे आपको उसके बारे में राय बनाने में मदद मिलेगी। कुछ समय से आपका साथी आपको भ्रामक संदेश भेज रहा है। जो जानकारी आज आपको मिलेगी उससे आप अपने साथी के तर्क को समझ पाएंगे कि क्यों उसका व्यवहार ऐसा था, और जिससे कि भविष्य की योजनाएं बनाने में आपको मदद मिलेगी। आप नवीन चीजों में ढलने के लिए अपने आप को लचीला बनाएं। बात करते हैं करियर की। आज किसी भी परीक्षा में उतरने के लिए अच्छा दिन नहीं है। हालांकि अगर आप परीक्षा में बैठ रहे हैं तो किसी नकारात्मक विचार को अपने पास ना आने दें। आप आगे बढ़ें और आपकी शक्ति और सकारात्मकता आपकी कुंडली से किसी भी नकारात्मक प्रभाव से लड़ सकती है। आज पैसे उधार ना दें क्योंकि आपको धोखा मिल सकता है। बड़ी राशि उधार देने से बचें। आज व्यवसाय में कोई मन मुताबिक कॉन्ट्रैक्ट मिलने की संभावना है।
अपनी मेहनत के अनुरूप उचित परिणाम भी हासिल होंगे, परंतु अपने प्रतिद्वंदियों से सावधान रहें। ऑफिस के काम को लेकर कुछ चिंता रह सकती है, ध्यान रखें। बात करते हैं सेहत की। स्वास्थ्य संबंधित मामूली समस्याएं रह सकती है, सावधानी बरतें। सुरक्षा संबंधित नियमों पर ध्यान दे तो ज्यादा अच्छा रहेगा। आप एक साथ काफी कुछ करने का प्रयास भी कर रहे हैं और अब इसका बुरा प्रभाव आपकी सेहत पर दिखना भी शुरू हो जाएगा। लगातार रातों देर तक काम करते रहने से आप काम पर पूरा ध्यान नहीं लगा पाएंगे। इसका आपके स्वास्थ्य तथा करियर दोनों पर ही नकारात्मक प्रभाव पड़ेगा। आपको स्वास्थ्यकर आदतें अपनाने की और अधिक ध्यान देना पड़ेगा। आज बहुत अच्छी नींद लेने की जरूरत है। आज का उपाय, आज आप भगवान विष्णु जी की पूजा अर्चना करें। दोस्तों, वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूलिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में। जीवन में हमेशा सकारात्मक सोच के साथ आगे बढ़ते रहें। आपका दिन शुभ हो।